हमें रास्ते में एक बहुत ही प्यारी जगह नजर आई है, हम इधर रुके हैं। आज हम अपना पूरा रोजा इधर स्पेंड करेंगे। दोस्त लोग बोलते हैं कि हमने इधर पूरी शाम गुजारेंगे, जब अफतारी हो का टाइम होगा फिर हम अपने घर जाएंगे अफतारी करने। जी, इसकी शादी होने वाली अनकरीब। ये मैंने पहनी है वेस्टकोट, बहुत ही प्यारी वेस्टकोट है। मैं जब ये पहनता हूँ लोग मुझे कहते हैं कि मैं अफगानी हूँ, पेशोरी हूँ, मैं सवाड़ा आपरा पेशोरिया। बहुत ही प्यारी जगह है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारा गांव है। इधर हम टाइम स्पेंड करेंगे और जब अफतारी के करीब जब टाइम होगा फिर हम घर को जाएंगे। और आज हमने पूरा रोज़ा इधर गुजारना है। ये मेरे दोस्त लोग जा चुके हैं, आज हमने पूरा रोज़ा इधर गुजारना है। मुस्तन सर भाई इधर देखें आप, आसिम भाई आप दोनों इधर देखें। ये दोनों शर्मा रहे हैं। जी, इसकी शादी होने वाली अनकरीब। हमारी भाभी बहुत ही लकी है कि उसको इस जैसा बहुत ही अच्छा और साफ दिल वाला इंसान मिला है। इसके पीछे तो हज़ारों लड़कियां मरती हैं लेकिन इसने एक ही को चुना और जिसके साथ इसकी मंगनी हुई। हमें रास्ते में एक बहुत ही प्यारी जगह नज़र आई है, हम इधर रुके हैं। आज हम अपना पूरा रोज़ा इधर स्पेंड करेंगे। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है, हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। आज मौसम भी बहुत प्यारा है और बहुत खूबसूरत मौसम है, उस मौसम की मुनासिबत से हम इधर आएँ ताकि हमारा रोज़ा अच्छा गुजरे। हम ज़रा आगे तक जाते हैं, आपको दिखाते हैं ये इलाके कैसे हैं। बहुत ही प्यारी हवा चल रही है, बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी बागात, इस तरफ भी बागात, यहाँ भी अल्लाह का नूर, इधर भी अल्लाह का नूर। अल्लाह की नेमतें हर जगह है और रमज़ान में अल्लाह की नेमतें वैसे ही ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसीलिए हम इधर आए इंजॉय करने। वो रहा मेरा दोस्त,
मुझे अकेला छोड़ के आगे जा गए। तो शेराजी बोल रहे ना, वो मुस्कान किधर गया, वो है मुस्कान, मुस्कान है। हम जरा आगे तक जाते हैं, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि हमने इधर पूरी शाम गुजारेंगे, जब अफ्तारी हो का टाइम होगा फिर हम अपने घर जाएंगे अफ्तारी करने, लेकिन अफ्तारी तक हम इधर ही रहेंगे ताकि हमारा दिन इस खूबसूरत आब व हवा में अच्छा गुजरे। हमारा रोज़ा आज बहुत ही अच्छा गुजर रहा है, आज अल्लाह के फजल व करम से मौसम भी बहुत प्यारा है। मेरे दोस्त लोग हैं बहुत, लेकिन आज बहुत शरीफ लग रहे हैं क्योंकि रोज़ा भी है, ऊपर से ये व्लॉग भी चल रहा है, लेकिन इन दोनों ने इतनी मासूमी वाली शक्ल बनाई है कि इनसे ज़्यादा मासूम कोई इस दुनिया में है ही नहीं। एक्टिंग कर रहे हैं दोनों, वाह, इनको सर्दी लग गई है, मैंने तो वेस्ट कोट पहनी है, इसने कोट पहना और पीछे वाले ने कुछ नहीं पहना, तो इसको ज़्यादा सर्दी लग रही है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत फसलें, ये मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं। गांव में रहने का अलग ही मज़ा है, हम शहर में रह के बहुत उकता जाते हैं, बहुत ही बोरिंग लाइफ होती है शहर की, गांव की लाइफ बहुत ही मज़ेदार लाइफ होती है। ये बहुत प्यारे बागात हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है गंदम, इससे आप आटा बना सकते हैं, जो हम आटा खाते हैं ये उसके है। ये है गंदम का बाग, गंदम की ये फसल है। आसमान को देखो, वाओ ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये हर जगह हरियाली हरियाली है, खेत ही खेत, बागात ही बागात। आप लोग भी जाओ यार, घरों में मत बैठो, बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, जगह एक्सप्लोर करो, जिस तरह हमने आज ये जगह एक्सप्लोर की है। ये जगह जो है वर्सक रोड और चारसद्दा रोड के दरमियान जो रिंग रोड है उधर, ये जगह आबाद है, इसको मियाँ जी बाबा बोलते हैं। आपको मैं भूसा बताता हूँ, बहुत से लोग नहीं पता कि भूसा किसे कहते हैं, चल रहे आपको मैं बताता हूँ। ये मैंने पहनी है वेस्टकोट, बहुत ही प्यारी वेस्टकोट है, मैं जब ये पहनता हूँ लोग मुझे कहते हैं कि मैं अफगानी हूँ। हाँ, हमारी पुश्ते तो अफगानिस्तान से ही है, लेकिन मैं अफगानी नहीं हूँ जी, मैं पेशोरी हूँ, मैं सवाड़ा अपरा पेशोरिया। ये मेरे है यार, ये आसिम और मुस्तनसर, ये मुस्तनसर बहुत शर्माते हैं, आप क्यों शर्मा रहे हो यार इतना, तो ये कहते हैं मैं नहीं शर्मा रहा। ये देखें इसको क्या बोलते हैं, आप लोग ही बताओ इसको क्या बोलते हैं। आसिम, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं जी? आसिम हमें बताएगा कि ये क्या चीज होती है, हम तो शेर। ये वैसे तो पंजाबी में इसको कहते हैं वंडा, वंडा वंडा मतलब ये जानवरों के लिए भूसा वगैरह जो है खाना। अच्छा, बना के देते हैं, इसमें बूरा डालते हैं, भूसा होता है और वो खाद होती है। अच्छा, तो दो किस्म की चीजें होती हैं, तो ये जानवरों को दिया जाता है अक्सर, मतलब जो जो ईद पे गाय वगैरह चारा और भूसा खाती है वो ये होता है। ये देखें, ये है भूसा, ये भूस तैयार करते हैं लोग इधर, ये गाय के लिए, और जो कुर्बानी में जो गाय वगैरह होती है आप उसको ये खिला सकते हैं, आप खुद भी ना खाएं, ये इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं, आप कभी कदर नहीं खाना। अगर आप स्मार्ट होना चाहते तो फिर आप ये खा सकते हो, अगर स्मार्ट नहीं होना तो फिर आप ये ना खाओ। ये आसिम बहुत प्यारा लग रहा है, ये प्यारे से बागात, ये मुस्तनसर आज सफ़ेद सूट पहन के आया है, बहुत प्यारा लग रहा है। उधर मुझे नज़र आई ये भैंसे, हम भैंसों के पास जाएंगे, और वैसे भी ईद आने वाली है तो उसके लिए हम रेडी मालूमात करते हैं कि बैल और भैंस वगैरह का क्या रेट है। हम चाचा से पूछते हैं कि वो भैंस कितनी की बेस्ट है, अगर मुनासिब रेट हो तो हम ईद के लिए ले लेंगे, क्योंकि ईद कुर्बान आ रही है, ईद कुर्बान की भी तैयारियां हमने करनी है। ये लोगों ने बहुत तंग सा रास्ता बनाया होता है फसलों के बीच, आप देख सकते हैं इस रास्ते से हम जाएंगे। वो भैंसों वाला आ गए, ये इधर बहुत प्यारी हमें गाय नज़र आई है। गांव में गाय भी लोग रखते हैं, इसका दूध ओरिजिनल होता है। गांव में गाय रखने का अलग शौक है, मुझे भी बहुत शौक है गाय रखने का, तो मैं भी इनसे एक गाय लेके जाऊंगा और अपने घर में पालूंगा, और इनका जो प्योर दूध है उसकी मलाई, मक्खन और लस्सी वगैरह
रोज़ाना पीऊँगा और बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा। ये हमारे भाई लोग, इन लोगों का ये बागात है, इन लोगों के ये खेत है, ये लोग इस खेत में मेहनत करते हैं और हमारे लिए जो आटा वगैरह है उनका इंतज़ाम करते हैं। हमें इन सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये देखें, मुझे दो बहुत ही पैर वाले फूल नज़र आए हैं। अल्लाह मुझे भी इस फूल जैसा एक जोड़ा दे दे, जो मेरे साथ पूरी उम्र मेरे साथ हमेशा खुश रहे। मैं तो अपनी जोड़ी को बहुत खुश रखूँगा, जिस तरह ये दो फूल खुश हैं मैं भी अपनी बेगम को बहुत खुश।